दोस्तों यहाँ पर ज्योमेट्रिक सवाल है। बोला है सवाल में, यदि किसी समबाहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, डिग्री में आपको बताना है, ठीक है। इंटरनल एंगल का वैल्यू बताना है। समबाहुभुज का मतलब होता है रेगुलर पॉलीगन। इसमें भुजाओं की संख्या जो एन की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, एन का वैल्यू आपको 16 दे रखा है। इसके बाद एक और सवाल करेंगे, वो अच्छा सवाल है, ये आपका सिंपल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। और बेसिक ये तभी बनेगा जब आपको ये दो फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूला क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन में जो इंटरनल एंगल का वैल्यू होता है कैसे निकालते हैं, एन माइनस टू बाई एन इंटू 180 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन एन, ये हो जाता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 16 है, आपको चाहिए क्या, इंटरनल एंगल चाहिए यानी आंतरिक कोण चाहिए। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा बताइए, तो इंटरनल एंगल की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस टू, एन की वैल्यू 16 है तो 16 माइनस टू करेंगे 14 आ जाएगा, बटे आपका एन यानी 16 और इंटू ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको काटा पीटी करना है। दो से ये दोनों कटेगा 7 हो जाएगा, दो से इसको काटिए 8 हो जाएगा, 4 से ये दोनों कट जाएंगे तो इसको हम लोग काटेंगे 4 से तो 2 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 यानी 45 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पंद्रह 35, 3 बचा 7 चौक 28, 3 31, 31 315 बटे 2, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 फिर बचा 1 तो 11 हो गया, 2 पंचे 10 फिर बचा 1 तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14 बचा 1 यानी 1 ऊपर जाएगा और बटे 2 आ जाएगा, तो 157 से ही 1 बटे 2 डिग्री, ये इतना डिग्री में आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड, इन्हीं दोनों फार्मूले से रिलेटेड एक और सवाल करते हैं। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या यानी n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर बताइए क्या बोला है कि जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोण एन माइनस टू बाई एन और इंटू इंटू कितना, इंटू यहाँ पर 360 है ना, सॉरी 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो आंतरिक कोण है ये किसके बराबर है दोस्तों, बहिष्कोण से 90 अधिक, तो बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 360 अपॉन एन, इससे कितना डिग्री अधिक है, 90 डिग्री अधिक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर अभी तो फिलहाल हम लोग 90 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, सभी में 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी 90 से डिवाइड, इस साइड भी, इसमें भी हम लोग 90 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 90 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एन माइनस टू अपॉन एन और इंटू में कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। इक्वल टू 90 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 4 बाई एन प्लस यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब आप सभी जगह n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी n से मल्टीप्लाई, इसमें भी n से मल्टीप्लाई, है ना, n से मल्टीप्लाई और इसमें भी n से मल्टीप्लाई, होगा ये फ़ायदा इससे कि n से n कट गया, बचा क्या है यहाँ पर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4 इक्वल टू n से n यहाँ कट गया तो ये हो गया 4 प्लस n इंटू 1 n हो जाएगा। अब एक जगह कर लीजिए तो n आपका इधर आ जाएगा, यानी कि 2n प्लस n इधर आएगा तो माइनस n इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 8 आ गई दोस्तों, n की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इस टाइप के सवाल, ये आपका SSC CGL 2020 के अंदर पूछा गया सवाल था, है ना, जो कि बहुत बढ़िया सवाल था। दो कॉन्सेप्ट लगने थे, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल पे बेस्ड अब सवाल आएंगे तो दोनों का फार्मूला तो पता ही है, आप लोग बना लेंगे, है ना। आगे चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।